लेकिन यहाँ पे जो है वो उसको थोड़ा सा डिफरेंट है हैंडीकैप थ्योरी में हमें पिकॉक का एग्जाम्पल लेकर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं हम सब ने पिकॉक की लॉन्ग एंड ब्राइट फुल टेल तो देखी होगी बहुत ज्यादा ब्राइट और लॉन्ग टेल होती है लेकिन ये जो लॉन्ग और ब्राइट टेल है पिकॉक के लिए एक्चुअली मुश्किल है उसके लिए मुश्किलें कैसे खड़ी करती है सबसे पहली बात यह जो लॉन्ग एंड ब्राइट टेल है इसको एनर्जी बहुत लगती है इसको अगर इसको अगर रखना है पिकॉक को तो उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है 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 दूसरी चीज पर इसका आराम आराम से प्रेडेशन हो सकता। प्रेडेशन क्यों से हो हो सकता सकता क्यों क्योंकि लॉन्ग और ब्राइट टेल होती है ऐसे पिकॉक को फ्लाइट में टाइम लगेगा जितनी देर में वो उड़ेगा उतनी देर में तो कोई प्रिडेटर उसको खा भी जाएगा तो यहाँ पर ऐसे लॉन्ग टेल वाले पिकॉक को उड़ने में कम उड़ने में दिक्कत होगी एज कंपेयर टू जिसके शॉर्ट होती है स्टिल ऐसा क्यों होता है कि आज भी ये जो पिकॉक है इनके पास इतनी लंबी और इतनी कलरफुल टेल प्रेजेंट होती है एक्चुअली उसका रीजन है सेक्शुअल सिलेक्शन यहां पर होता क्या है फीमेल उनको प्रेफर करती है फीमेल ऐसे पिकॉक को प्रेफर करती है जिनके पास लॉन्ग टेल प्रेजेंट हो और जिनके पास ब्राइट टेल हो उनको जो है फीमेल प्रेफर करेगी तो इसकी वजह से यहाँ पर भले इनका सर्वाइवल रेट कम हो लेकिन यहाँ पर इनको मेटिंग एडवांटेज मिलता है मेटिंग एडवांटेज की वजह से इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो ज्यादा चांसेस है कि इनके ऑफस्प्रिंग्स रहेंगे तो इसी को ही क्या बोला जाता है इसी को ही हैंडीकैप थ्योरी बोला जाता है हैंडीक्रैप्ट थ्योरी में क्या है कि आपके पास एक कॉस्टली करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है जो कि आपकी सर्वाइवल फिटनेस को रिड्यूस कर

सो आई होप काइस आपको हैंडिकैप थियोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या 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 होता है तो आई होपोप इस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो डोट फॉर गेट टू सस्क्राइब मा चैनल शेयर दिस वीडियो विद्यूस थैंक यू सो मच कई बोबाई टी